अपने बैंक का ओटीपी नंबर किसी अजनबी को देना एक व्यापारी को काफी महंगा पड़ा है। साइबर क्राइम में व्यापारी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। आइए डालते एक नजर। शहर के कई कामकाज पेटीएम के जरिए होते हैं, जिससे किसी को फायदा तो किसी को नुकसान भी होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यापारी की जिन्हें तारीख 24 जनवरी को पेटीएम के जरिए भारी रकम का नुकसान उठाना पड़ा है। यह है व्यापारी राजेश ओरी, जिन्होंने पेटीएम के कहने पर केवाईसी फॉर्म भरने के लिए 5 रुपये उनके यानि पेटीएम के अकाउंट में डाले, जिसकी ओटीपी जिसे वन टाइम पासवर्ड भी कहते हैं, इसी आए हुए ओटीपी के नंबर को अगली तरफ से कॉल करने वाले शख्स को बता दिया गया, जिसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर व्यापारी राजेश ओरी के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से 188,580 रुपये निकाल लिए गए। इस बारे में फिरियादी राजेश ओरी ने अपनी आपबीती इनबीसीएन के समक्ष रखी। इस घटना का पता चलते ही फिरियादी राजेश ओरी इन्होंने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर सेंटर में फोन करके कार्ड ब्लॉक कर दिया और साइबर कंप्लेंट सेल महाराष्ट्र पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज कराई। आए दिन शहर में ओटीपी को लेकर चलते कई लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। अगर आपके साथ भी कोई बैंक की जानकारी, कोड नंबर या ओटीपी नंबर मांगे तो कभी भी नहीं देना चाहिए, वरना आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।